Hello everyone, welcome to my channel Go for Graphics. My name is Neetu. Guys, if you are new in this channel, please subscribe my channel and also follow Go for Graphic Instagram and other social media platform also. Today's our topic is how to save multiple artboards in the different formats in Illustrator. आप Illustrator पे जब हम multiple artboards पे काम करते हैं तो हम उसको वन टाइम में डिफरेंट फॉर्मेट्स में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे. हमें यहाँ से 600x600 की यहाँ से मैं नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 6 सेलेक्ट कर लेती हूँ. एडवांस सेटिंग में मैं इस कलर को RGB एंड यहाँ से 72 इसका रास्टर इफेक्ट. क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, आपने जितने भी आर्टबोर्ड्स वहाँ पर डिफाइन किए होंगे वो सारे आर्टबोर्ड्स आपके ओपन हो जाएंगे. ठीक है, हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पर काम क्यों करते हैं? हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पर काम तब करते हैं, सपोज़ आप एक डिज़ाइनर हैं. ठीक है, आप अपने डिज़ाइन को एक PDF में अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बेसिकली ये कहती है डिज़ाइनर से, या तो आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो हो या तो फिर आप अपना जो भी आपका वर्क है आप उसको PDF में भेजो. तो ऐसी सिचुएशन में हम मल्टीपल आर्टबोर्ड का यूज़ करते हैं. आपने कोई डिज़ाइन किया है, आपको उसको डिफरेंट कलर वेरिएशन में आगे क्लाइंट को सर्व करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स का यूज़ करते हैं. और भी काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप मल्टीपल आर्टबोर्ड का यूज़ करते हैं. एग्जांपल के लिए सपोज़ मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन के तौर पे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रही हूँ. इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे, ये वाला. ठीक है, यहाँ से इसका इंक्रीज कर लेंगे फॉन्ट साइज, सेंटर अलाइन. ठीक है, आर्टबोर्ड पे इसको यहाँ से अलाइन कर लेंगे. ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि जब भी मान लो आप किसी के लिए कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, उसको डिज़ाइन पसंद है बट वो चाहते हैं आप उनको सेम डिज़ाइन डिफरेंट कलर फॉर्मेट में दो. ठीक है, वहाँ पे भी आप मल्टीपल आर्टबोर्ड का यूज़ करके आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया है तो आप वहाँ पे भी इस तरीके से कर सकते हो कि आप रेदर देन कि आप उस लोगो का 1x1 कलर चेंज करो देन सेव करो, तो वो प्रोसेस भी ठीक है बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है. तो ऐसे सिचुएशन में आप हम एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स का यूज़ करके हम आगे ये चीज़ें ईजीली करके सर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी सपोज़ मैंने यहाँ पर मान लो एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया है लोगो डिज़ाइन, ये मेरा लोगो है मान लेते हैं. ठीक है, अब मुझे क्लाइंट मुझे कह रहा है कि भाई मुझे इसका कलर जो है वो 2-3 वेरिएशंस में भेजो. ठीक है, कलर वेरिएशंस में भेजो. तो आपको करना क्या है, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और आप पेस्ट करेंगे. अगर आप इस तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो रेंडमली ये कहीं पर भी पेस्ट हो जाएगा, बट इस तरीके से नहीं करना है. आपको करना क्या है, आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, उसके बाद आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी प्रेस करेंगे. तो ये क्या करेगा कि ये सेम जिस तरीके से अपने फर्स्ट आर्टबोर्ड पे अपने डिज़ाइन को प्लेस किया होगा, ये उसी तरीके से अदर जितने भी आपके रेस्ट ऑफ आर्टबोर्ड्स होंगे ये उनको सेम वैसा ही आपके बाकी सारे आर्टबोर्ड्स पे प्लेस कर देगा. ठीक है, ये ऑप्शन मैं इसको भी अंडू कर रही हूँ. आपको जो मैंने कीज़ इसकी प्रेस की है, मैंने शॉर्टकट की का यूज़ किया है, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा. आप एडिट में जाओ, यहाँ से आप कॉपी कर लो कंट्रोल सी. ठीक है, उसके बाद आप अगेन एडिट में जाओ, यहाँ पे आप देखो पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स, इसका जो शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल वी, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको सारे आर्टबोर्ड पे आपका जो भी डिज़ाइन होगा उसको प्लेस कर देगा एग्जैक्ट जैसे आपने फर्स्ट आर्टबोर्ड पे किया हुआ होगा. ठीक है, अब आप यहाँ से 1x1 इसका कलर चेंज कर लो. एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ऐसे ही रैंडम कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, सपोज़ मेरे ये कुछ आर्टबोर्ड्स हैं और मैंने इन पर ये काम किया हुआ है, अब मुझे इनको डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना है. क्लाइंट तो कह रहा है कि भाई नहीं, मुझे तो PNG में भी दो, आप विदाउट बैकग्राउंड दो, बैकग्राउंड के साथ भी दो, और या फिर आप मुझे इसको PDF में भी दो.
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक कार्डबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करते हैं, तो हम यहाँ से इसको किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे जेपीईजी है, पीएनजी है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूँ। अगर हम वन बाय वन इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। इस तरीके से चीज़ें अगर आपको किसी को अर्जेंट देना है, क्लाइंट बहुत जल्दी में है, ठीक है, आपसे वो बार बार चेंजेस करवा रहा है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें बहुत लेंदी होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, वहाँ पे आप फाइल मेन्यू में जाओगे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट में जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, ठीक है, और इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल ई। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक स्क्रीन ओपन होगी एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स। अब यहाँ पे आप आर्टबोर्ड्स में आ जाओ, यहाँ पे आप देखो जितने भी आपके आर्टबोर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे दो आइकन हैं, ये आपको लार्ज थंबनेल में शो कर रहा है, स्मॉल थंबनेल में अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको स्विच कर सकते हो। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट, सिलेक्ट में अभी इस हमारे जो आर्टबोर्ड्स मैंने लिए थे यहाँ पे, वो मैंने लिए थे 6, तो यहाँ पे उसकी रेंज दिखा रहा है 1 to 6। जैसे ही मैं इस रेंज को यहाँ से कम करती हूँ, 4 करती हूँ, तो आप देखो ये जो 5 and 6 वाला आर्टबोर्ड है, ये अपने आप क्या हो गए, अनचेक हो गए। मैं यहाँ पर वापस से इसको 6 करती हूँ, तो ये वापस से सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, आप या तो यहाँ से इसकी रेंज डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से मैन्युअली भी इसको टिक मार्क कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ से 2, 3, 6 जो है वो अनचेक कर दिए हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पे इसने इसकी रेंज बता दी है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक ऑप्शन ये है कि सपोज़ आपने जितना भी वर्क किया है अपने सारे आर्ट बोर्ड पे, आप चाहते हो कि वो सारे आर्ट बोर्ड का वर्क आपको एक डॉक्यूमेंट में देखने को मिले, तो आप यहाँ से फुल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो, तो जितने भी आपने आर्ट बोर्ड्स पे काम किया होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे शो कर देगा आपका, आपके सारे आर्ट बोर्ड का वर्क। ठीक है, बट अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको इसकी यहाँ पे लोकेशन बतानी है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे इसे सेव करूँगी, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगी जिसका नाम मैं दे रही हूँ लोगो डिज़ाइन। ठीक है, मैं यहाँ से ये फोल्डर सिलेक्ट करूँगी, ओके, मैंने इसको सिलेक्ट, मैंने यहाँ पर इसको इसकी लोकेशन बता दी है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट। क्या आपको इनको एक्सपोर्ट करने के बाद, सेव करने के बाद वो फोल्डर ओपन होना चाहिए? तो अगर आप चाहते हो कि उसको ओपन करना, आप यहाँ पे इसको टिक कर दो, नहीं चाहते हो तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर दो। मुझे चाहिए तो मैं इसको चेक कर रही हूँ। देन नेक्स्ट है आपका क्रिएट सब फोल्डर्स। क्रिएट सब फोल्डर्स ये आपसे वही पूछ रहा है कि जितने भी आप फॉर्मेट सेव करोगे उन सब का आप एक अपना सेपरेट फोल्डर बनाना चाहते हो, या फिर आप इसी फोल्डर में सारी फॉर्मेट्स उसमें सेव करना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि जेपीजी पीएनजी जितने भी मेरे फॉर्मेट्स में सेव करूँगी उन सब का ये अपना एक सेपरेट फोल्डर उसके अंदर बना के दे। ठीक है, यहाँ पर है फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स में आपको बेसिकली आप यहाँ से देखो, यहाँ पे पीएनजी है, जेपीईजी है एंड एसवीजी पीडीएफ है। आपको इसमें से जिस भी फॉर्मेट में सेव करना है आप यहाँ से सेव कर सकते हो। जेपीईजी के ये जो इन्होंने दिए हुए, इसका जो फ़र्क है बेसिकली इसकी क्वालिटी पे, इमेज की क्वालिटी जो होती है उस पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जो है जेपीजी सिलेक्ट किया हुआ है, पीएनजी है, पीडीएफ है एंड एसवीजी है। आप चाहो तो आप यहाँ से ऐड स्केल करके ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप क्रॉस करके इसको कट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है सफिक्स। सफिक्स बेसिकली आपके वो होते हैं जो आपको अपनी फाइल के जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नाम है आप उसके एंड में जो भी एक सिमिलर वर्ड डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट लिया है, तो मैं यहाँ पे जेपीजी सफिक्स दे रही हूँ, सेम ऐसे पीएनजी, पीडीएफ एंड एसवीजी। उसके बाद यहाँ पे है स्केल, आपको इसमें स्केल बताना है कि आपको कितना स्केल करना है। जैसे मैंने इसमें 2x सिलेक्ट किया एंड देन मैंने यहाँ पे 1x कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होते हैं जो आपको आपके
डॉक्यूमेंट के नेम के पहले चाहिए होते हैं। इफ़ यू वॉन्ट कि सब में कुछ सिमिलर है तो आप यहाँ पे कुछ भी नुमेरिक या कुछ भी अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं टाइप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके जो आर्ट बोर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ रहा है, आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अगर इनको रीनेम करना चाहते हो तो आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कर दूँगी लोगो 1, उसके बाद आप यहाँ पर भी आप इंडिविजुअल किसी का भी, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया लोगो 2, तो आप इंडिविजुअल इनका जो नेम है वो उसको रीनेम कर सकते हो। देन आपको करना क्या है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट आर्ट बोर्ड पर क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पर ये चीज़ देखो कि इसने सेव करने के बाद हमने जो फोल्डर पे टिक मार्क किया हुआ था कि ये ओपन होकर आ जाए, तो ये ओपन होकर आ गए हैं। अब आप यहाँ से वन बाय वन ओपन कर लो। जैसे मैंने वहाँ पे सफिक्स डिफाइन किया था PNG, एंड दो आर्ट बोर्ड को मैंने रीनेम किया था लोगो 1 एंड लोगो 2, तो बाकी के हमारे इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा PNG है, PNG फॉर्मेट है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये हमारा JPG फॉर्मेट है। जैसे कि हमने JPG अपने फॉर्मेट को 2x किया था, तो इसने उसका जो साइज़ है वो मैंने 600 बाय 600 का कार्डबोर्ड लिया था। यहाँ पे कर्सर मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो 100 × 1200 है। वहाँ पर आपको साइज़ स्केल करना, तो यहाँ पर इसने साइज़ स्केल ले लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर PDF, इसको मैं एक ओपन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसने क्या किया है, इसने आपके जितने भी आर्ट बोर्ड्स थे उसके इंडिविजुअल PDFs क्रिएट कर दिए। देन यहाँ पे आपका है SVG फॉर्मेट। इस तरीके से आप इलस्ट्रेटर पे अगर आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स पे काम करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये एक बहुत सेफ तरीका है अपने काम को जल्दी करने का, डिफरेंट फॉर्मेट्स में फाइल को सेव करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।